हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीसी टॉक्स। आज हमने रोल्स रिवर्स कर दिया है। हमारे पास कोई ऐसी भूतिया कहानी है मेरे किसी ऐसे दोस्त की, चलो उसे पूछते हैं आज हम। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। जब मैंने क्लियर माय आईपीसीसी के एग्जाम्स, जो इंटरम कह लो आप, अकाउंट चार्टर्ड अकाउंटेंसी में हम पांच पांच दोस्त थे। हमने सोचा कि चलो ठीक है, यू नो वी हैव क्लियर द एग्जाम्स, लेट्स गो एंड सेलिब्रेट। स्टूडेंट्स ही थे तो सेलिब्रेशन का मतलब डिनर पे चले गए। तो हम पिंड बलूची करके एक रेस्टोरेंट है हमारी सिटी में था, तो हम वहाँ पर डिनर करने जाते हैं। तो लेट्स कॉल जो वन ऑफ द फ्रेंड्स, उसको एम बोलते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता फॉर ऑब्वियस रीजंस, तो उसका नाम सपोज करो एम है। तो हम पांच लोग, हमने अच्छा डिनर विनर किया, हमने डेजर्ट्स में गुलाब जामुन खाए थे। तो इसका रिलेवेंस आपको बाद में समझ आएगा, मैं गुलाब जामुन पर क्यों फोकस कर रहा हूँ। तो हम लोग पांच फ्रेंड्स थे, हमने डिनर किया, हम उसके बाद घर वापस चले जाते हैं। तो दो तीन दिन बाद ऐसी दोबारा बात बात होती है, तो ऐसे ही तो किसी की भी एम से बात नहीं हुई थी उस डिनर के बाद से। तो दैट वाज द लास्ट टाइम वी सॉ एम। एंड हम अपने अपने जब हम बाद में दो तीन दिन बाद, तो ऐसी बात हुई कि अरे किसी की एम से बात हुई क्या, डिड यू स्पीक टू हिम, या फिर नहीं मेरी भी बात नहीं। तो सब चारों ने डिनाई कर दिया कि नहीं मेरी बात कौन नहीं हुई बात उसके बाद, ठीक है सब अपना बिजी थे। वैसे दो तीन दिनों से हफ्ता हो गया, उसके बाद भी फिर हम दोबारा किया, अब बात हुई क्या किसी की। तो एक बात ही करने तो फोन ही कर लो, तो पूछ कर रहे हो। तो हमने फोन मिलाया फिर, तो एम के डैड फोन उठाते हैं और वो बोलते हैं कि बेटा उसकी तबीयत बहुत खराब है, जब से वो दिन के अगले दिन से उसको बुखार बहुत हो गया था, तो तबीयत बहुत खराब है, इसलिए इज नॉट कीपिंग वेल, थोड़ा सा लो लो सा है। तो हमने कहा चलो ठीक है, तबीयत खराब है इसलिए ऑब्वियस है, समझ आता है। तो नहीं ठीक है, लेट हिम यू नो सेटल डाउन, ठीक है बुखार है, हो जाएगा ठीक, इतनी बड़ी बात क्या है, बुखार ही बुखार ही था। तो दो चार दिन बाद फिर दोबारा कोई अपडेट नहीं आई, तो हमने सोचा दोबारा एक बार लेट्स चेक ऑन हिम। तो हम दोबारा कॉल करते हैं एंड अंकल कॉल उठाते हैं, अंकल कहते हैं कि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है एंड ही इज वेरी लो, ही इज कीपिंग इट टू हिमसेल्फ, लॉक कर रखा है अपने आप को, बात नहीं कर रहा है किसी से भी। एंड तो हम उसके बाद घर जाते हैं एम के, कि हम देखें कि क्या सब ठीक है कि नहीं। थोड़ा सा 10-12 दिन हो गए हैं, अगर दोस्त से आपकी बात ना हो तो आपके एक दिल में होता है। तो हम जैसे ही घर जाते हैं तो घर पे लॉक था, एंड लॉक होते तो पड़ोसी से हमने पूछा कि फोन हम कर रहे थे, फोन भी उठा नहीं रहा था। तो वो थर्सडे का दिन था, तो हमने 10 दिन पहले मतलब संडे को लाइक वी हैड डिनर, तो वो कमिंग थर्सडे उसके बाद वाला था, मतलब दो ऑलमोस्ट 2 हफ्ते होने को आ रहे थे। तो थर्सडे का दिन था, तो हमने पड़ोसी से पूछा, तो उन्होंने कहा कि उनके बेटे की तबीयत इतनी खराब थी कि डॉक्टर्स ने बोला, डॉक्टर्स से मतलब बेसिक दवाइयों से ठीक नहीं हो रहा था, तो किसी ने शायद उसके ऊपर कोई साया है okay. तो इसलिए वो आज उसको, क्योंकि थर्सडे का दिन है तो आज उसको पीर बाबा लेकर गए हैं ताकि दिखा सके, किसी ने बोला पीर बाबा पे यहाँ पर इलाज होता है, मतलब वो देख सकते हैं। तो फिर हमने फ्राइडे को अगले दिन कॉल किया दोबारा, अंकल ने फोन उठाया, तो अंकल ने कहा कि हाँ उसके लिए थोड़ी सी कुछ ज़्यादा ही हो गई है, तो किसी ने बोला कि उसके ऊपर किसी का साया आ चुका है, तो हम इसको इसलिए पीर बाबा लेके गए थे। एंड क्योंकि वो थर्सडे का दिन था, पीर बाबा में बहुत भीड़ थी एंड इम्प्रॉम्प्टू था, तो पीर बाबा ने पहले उसको देख नहीं रहे थे क्योंकि बिजी बहुत, चादर चढ़ाते हैं लोग थर्सडे को, तो बहुत भीड़, बट फिर काफ़ी रिक्वेस्ट पर उन्होंने देखा, तो पीर बाबा भी उस एम को देखकर हैरान हो गए एक सेकंड। पहले वो एग्री नहीं कर रहे थे क्योंकि बिजी थे, बट फैमिली के रिक्वेस्ट पे कि बहुत ज़रूरत है, जैसे ही वो एम को देखते हैं वो थोड़े हक्के बक्के हो गए कि मतलब जैसे ही कुछ बहुत ही ज़्यादा उनको दिख गया कुछ। तो उन्होंने बोला कि हमें देर नहीं करनी चाहिए, आप इसको कल मेरे पास लेके आओ, मैं आज तो भीड़ है बहुत ज़्यादा मज़ार में, आप इसको कल मेरे पास लेके आओ। और उन्होंने कुछ इत्र दिया उनको, एम फैमिली को, कि आप क्योंकि वैसे नहीं आएगा ये अंदर, जब वो पीर बाबा गए थे वो गाड़ी में ही बैठा हुआ था ओके, रेजिस्ट कर रहा था कि मुझे नहीं बाहर जाना। तो कुछ इत्र दिया उसको संभाव, वो सुंघा के वो फ्राइडे को पीर बाबा के पास लेकर आते हैं उसको। तो पीर बाबा ने, और ये उसके जो डैड ने हमें जो स्टोरी बताई थी, पीर बाबा ने उससे सवाल किया एम से कि तू कौन है। तो पहले उनको आवाज़ आती है कि मैं एक्स वाई जेड हूँ, मैं ये आत्मा हूँ। फिर पीर बाबा ने उससे दूसरा सवाल किया कि तुम्हें इससे क्या चाहिए। तो फिर दूसरी आवाज़ आती है उसके अंदर से कि ये हमें गुलाब जामुन चिढ़ा के खा रहा था। अच्छा, अब गुलाब जामुन का रेलेवेंस वो जब उसने डिनर किया था, हमने जब वो डिनर किया था पिंड बलूची में खाने गए थे जब, हाँ, तो
फिर उन्होंने गुलाब जामुन चढ़ा के खा रहा था, तो तीसरी आवाज आती है अंदर से, मतलब पहला जवाब दिया पहली आवाज ने, दूसरे सवाल का जवाब दिया दूसरी आवाज ने, तीसरे सवाल का जवाब दे रही है तीसरी आवाज, ओके, पीर बाबा को, कि ये अपने दोस्तों के साथ उस दिन डिनर पे गया हुआ था और ये गुलाब जामुन हमें चिढ़ा के खा रहा था। तो उन्होंने बोला तुम्हें, ये तो एक साधारण सा मतलब इंसान है, ये तुम्हें तो देख ही नहीं सकता, तो तुम्हें क्या चिढ़ाएगा ये। तो चौथी आवाज ने जवाब दिया कि ये हमें मजे लेकर अपने दोस्त साथ हंसी मजाक कर रहा था और हमें चढ़ा रहा था, ये हमें पता ही, हमें ही चढ़ा रहा था। तो मतलब उस इंसान के अंदर चार आत्माएं थी एक टाइम पर। और ये भाई जब हम सुनते हैं ना, तो मतलब मेरे को अभी से ऐसा लग रहा है यार, ये मतलब, तो उसके बाद, और मैं ये सोचता हूँ कि हम सब थे वहां पर, उसी पे सिर्फ उस पे ही, मतलब क्यों भगवान हमारा दोस्त। तो पीर बाबा ने बोला कि, तो वो समझ गए कि ये वो यहाँ पे एक आत्मा से डील नहीं कर रहे हैं, वो यहाँ पे चार आत्माओं से डील कर रहे हैं, तो ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज है। और उन्होंने उनको पीर, फिर पांचवी बार जब उन्होंने सवाल किया तो चारों आत्माओं ने एक साथ बोला कि हम इसको लेकर जाएंगे, हम नहीं छोड़ेंगे इसको, हम इसको लेकर जाएंगे चाहे आप कुछ भी कर लो। तो अब उनको भी एक अंडरस्टैंडिंग द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन या कुछ भी बोलो, तो उन्होंने बोला कि इसको आप हमें जल्दी से जल्दी एक या दो दिन में इसका जो भी झाड़ा या जो भी प्रोसेस होता है वो हमें करना पड़ेगा। तो अब क्योंकि ये चीज अभी तक तो माँ बाप को ये पता था कि इसके अंदर कोई है, जैसा लोगों ने बोला, जैसा पीर बाबा ने, आज उन्होंने अपने सामने देखा, एक्सपीरियंस किया। तो मैं ये सोचता हूँ उनकी क्या हालत हुई होगी उस टाइम। और फिर वो उसको घर लेकर गए, उन्होंने अगेन कुछ इत्र जो भी सुना कि इसको सिद्धा की थोड़ा कंट्रोल रहे, वो घर जाते हैं एंड उसके बाद खाने के लिए वो चीज़ अगेन थोड़ा सा वायलेंट हो रहा है, वो सेल्फ हार्म अपने आप को, उसने अपने आप को अंदर लॉक कर लिया एम ने, एक रात के लिए उसी दिन वापस गया था वहां से, उसने एम ने अपने आप को लॉक कर लिया। काफी आवाजें आती हैं थोड़ी देर रूम से, वो अब चीखने की, अपने आप को हाँ मार रहा है, अपने आप को बेल्ट से अपने आप को मार रहा है, मतलब वो उसके पेर, उसके डैड ने बोला कि वो इतनी जल्दी हुआ कि हम करीन, हम उसे नहीं छोड़ते अकेला, हमें अब पता है, हमने देखा है उसको, हम अकेला नहीं छोड़ते यार। बट वो इतना यू नो फ्लैश ऑफ द मोमेंट में हुआ कि वो कब हमारे हाथ से निकल के भागा, रूम में गया, उसने अपने आप को रूम में लॉक कर लिया। और कह रहे दो तीन घंटे अंदर रूम से आवाजें आती रही हैं सेल्फ हार्म की, कभी बेल्ट से मार रहा है, चीख रहा है, कभी नोच रहा है अपने आप को। और कह रहे दो तीन घंटे बाद आवाजें बंद हुई हैं और हम फोर्सफुली, जब कोई रिस्पांस नहीं आया, हमने दरवाजा दबाया तो he was gone। तो उन्होंने पीर बाबा को, उसका भाई गया भी पीर बाबा को बुलाने की कुछ हो रहा है, बट बाय द टाइम हमेशा बोलते थे कि ज्यादा हंसे हंसा मत, मतलब बहुत ज्यादा यू नो डोंट बी वेरी हैप्पी, नॉट वेरी हैप्पी बट डोंट लाफ एनीथिंग, राइट, हंसे का मड़ासा हो जाता है। तो वो सेइंग ये है कि आपको कुछ नहीं पता आपकी लाइफ में, ये नहीं कह रहा सिर्फ एग्जैक्टली इसीलिए बोलते हैं वो, बट आपको कुछ नहीं पता कि आपकी लाइफ में क्या हो जाए। और वो उनको, उसको तो पता भी नहीं था ना कि वहां पे स्पिरिट्स हैं कोई जिनको, हम तो अपना आराम से मजाक करके पांच दोस्त आपस में डिनर कर रहे थे, गुलाब जामुन खा रहे थे, बट वो मतलब टाइम मैं बोलता हूँ कि कितना बुरा था माँ बाप के लिए, पेरेंट्स देखा, एक्सपीरियंस करा। तो ये सब, वेल आई होप किसी को ऐसा यू नो एक्सपीरियंस, और भी स्टोरीज हम कवर करेंगे कभी पॉडकास्ट में, बट ऐसा भगवान ना ही किसी को यू नो वो करे, सब प्रोटेक्टेड रहे। पर ये चीजें मैं मानता नहीं था पहले, पर मैंने, जैसे मैंने बताया, मैंने देखी हैं और मैंने सुनी भी हैं, जैसे मैंने आपको एक ही कहानी सुनाई इससे पहले, वो ट्रेन वाली, एंड ये कहानी खुद एक्सपीरियंस, ये तो तुमने खुद एक्सपीरियंस करी है, एक्सपीरियंस करी हुई है। तो चीजें हो, मानो तो देखो सब कुछ है, ना मानो तो कुछ भी नहीं है, तो इसलिए मानो तो पत्थर भी मूर्ति है। एग्जैक्टली, तो वो चीज है। तो गाइस कैसा लगा हमारा ये पॉडकास्ट,
अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब. थैंक यू. थैंक्स.